हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड सर्वेश। तो आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के बारे में, और राजेश एक्सपोर्ट का शेयर आज भी तकरीबन 4% के आसपास डाउन चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए, शेयर 379 पर ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक्स ने अपना जो 8 ईयर्स का लॉन्ग टर्म जो था ना लो, वो मार दिया है। यहाँ पे न्यूज़ में भी है, ट्रेडिंग व्यू में, इंडियाज राइस एक्सपोर्ट हिट्स 8 ईयर लो एज क्यू टू प्रॉफिट स्लम्प्स। मतलब मैं आ जो उनका क्यू टू का प्रॉफिट जो आया है वो काफ़ी कम आया है, उसके कारण इनका 8 साल का जो लो था उससे नीचे चला गया। वन थिंग इज दैट हियर। एंड दूसरी बात है कि कई सारे व्यूअर्स की क्वेरी भी आ रही थी एंड कि सर ये स्टॉक्स काफ़ी कुछ गिर गया है, एंड जब से मैंने वीडियो बनाया तब से तकरीबन 30% के आसपास ये डाउन चल रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एक डिस्क्लेमर है कि मैं यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ, मेरी आपको यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग समझा रहा होता हूँ स्टॉक मार्केट की, एंड उसको कैसे बिहेव करना है ये आपका डिसीजन होगा कि आपको खरीदना है कि बेचना है। बट ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज पैसा भी आपका है, पैसा इज नॉट माय, मेरा पैसा मेरा है, मेरे को लॉस होगा वो मेरा होगा। क्योंकि स्टॉक की जब प्राइस ऊपर जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, जब नीचे आता है तो लोगों को क्वेश्चन होते हैं, नो डाउट क्वेश्चन होना भी स्वाभाविक है और क्लैरिटी मिलना भी जरूरी है। तो टुडे वी आर गिविंग द बिग क्लैरिटी एंड आई थिंक आप सर आफ्टर दिस वॉचिंग दिस वीडियो आपको जो कुछ क्लैरिटी इमर्ज करेगी और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके शायद मेरे हिसाब से यहाँ से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो राइस एक्सपोर्ट एक अच्छी कंपनी है अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, और कंपनी मेनली गोल्ड में ट्रेड कर रही है, गोल्ड का इनका बिजनेस है। और गोल्ड की जो है ना, गोल्ड के बारे में आपको एक चीज़ बताऊँ कि गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड आज जो फिजिकल गोल्ड की कीमत है ना, या आज के 500 साल पहले जो 1 तोला यानी 10 ग्राम की जो गोल्ड की कीमत होगी वो आज भी उतनी ही है। जो 10 साल जो 100 साल पहले भी जो 10 ग्राम गोल्ड से आप चीज़ खरीद सकते थे वो आज भी 10 ग्राम गोल्ड से उतनी चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये है गोल्ड की पावर, गोल्ड की पावर इन द गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं। तो गोल्ड की सबसे बड़ी पावर ये है फिजिकल गोल्ड की, मैं कोई आपको डिजिटल गोल्ड या बॉन्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10 ग्राम सोना था 100 साल पहले, तो जो 10 ग्राम सोना 100 साल पहले बाइंग कर सकता था, जितनी उसकी जो कैपेसिटी थी उसमें मार्केट की वैल्यूएशन के अनुसार, वो आज भी उतनी ही है। बट क्या है कि स्टॉक का प्राइस डाउन हो गया तो शेयर खराब हो गया, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी क्या है, राइस एक्सपोर्ट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1980 में इनकॉर्पोरेटेड। थोड़ा वीडियो लंबा खिंच जाएगा आई होप, बट आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड राइस एक्सपोर्ट हेडक्वार्टर बैंगलोर में इनका एक्सपोर्ट हेडक्वार्टर है। द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विद प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ द गोल्ड फ्रॉम द रिफाइन टू रिलेटेड। मतलब इनका पास सबसे ज़्यादा, ये सबसे लार्जेस्ट है रिफाइनिंग में, और द ओनली कंपनी ये बताया, मैं लार्जेस्ट प्रोसेसर ऑफ गोल्ड इन वर्ल्ड, सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोसेसर है गोल्ड का। REL प्रोसेस 35% गोल्ड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। तो 35% जो गोल्ड होता है वो प्रोड्यूस प्रोसेस जो किया जाता है वो राइस एक्सपोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो गोल्ड का वर्चस्व कभी ख़त्म नहीं होने वाला, गोल्ड के किसी भी करेंसी के पीछे, कोई भी कंट्री की करेंसी के पीछे गोल्ड ही रखा है। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस ख़त्म ऐसा नहीं होने वाला। एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, अगर जो गोल्ड के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया में। एंड लोएस्ट कॉस्ट गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सबसे हल्की सस्ती कॉस्ट की जो ज्वेलरी बनाते हैं वो ये है। वर्ल्ड फाइनेस्ट गोल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D फैसिलिटी एट वेरियस प्लेसेस, मेनली फैसिलिटी बींग इन बैंगलोर इंडिया, मेन फैसिलिटी बींग एट बेल्जेरियस स्विट्जरलैंड में है इनके पास, और एक्सटेंशन मार्केट नेटवर्क है इनके पास। तो ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों का बिजनेस कभी कम नहीं होगा। और अब इन सब चीज़ों के बाद भी अपन को ऐसा लगे कि हाँ ये स्टॉक प्राइस डाउन हो रहा है, या तो फिर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा अटेंशन होके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कभी भी बोरो कन्विक्शन पे वीडियो, बोरो कन्विक्शन पे कोई शेयर में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज बोरो कन्विक्शन पे जब करते हैं तो अपने आप को खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या होगा, मार्केट शायद पैसा डूब गया, तो शायद डूब ही गया, कुछ लोगों ने लॉस बुक करके निकल भी गए होंगे नो डाउट। बट ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा मार्केट को समझना चाहते हैं, कोई बिजनेस को समझना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है, स्टॉक का P/9.79 है, इंडस्ट्रीज का P/33 है, उससे देखें तो काफ़ी कम है, ROC नो डाउट कम है,
बुक वैल्यू 516 है, तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करने लगा है स्टॉक। एंड अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के जो अभी जो रिजल्ट आए क्वार्टरली, उस पर बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स में जब हम बात करेंगे तो सितंबर के क्वार्टर के 38,066 करोड़ का इनके पास सेल्स हुई है, और उनमें सिर्फ इनको पास यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। एक्चुअली इस बिजनेस में जो मटेरियल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, गोल्ड लेना है उसको रिफाइन करना है वो सेल करना है, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा ही होती है। जैसे आईटी कंपनियों में आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका मेन प्रोडक्ट जो है ना, मेन जो सर्विस दे रहे हैं वो एम्प्लॉय ही दे रहे हैं। अगर आप आईटी कंपनी में देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ही ज़्यादा रहती है उनके पास, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट में जब भी बढ़ती है तो स्टॉक का नेट प्रॉफिटिलिटी डाउन होती है। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे 100% दिख गई। अगर आप 100% देखें ओवर पीरियड ऑफ द 3 ईयर यानी 12 क्वार्टर में देखें, तो यहाँ पे एक तो सितंबर 2020 में आई है, उसके बाद अगर हम देखें तो मार्च 2022 में आई है, और इसके बाद देखें सितंबर 2023 में आई है, और मार्च 2023 में भी इनके पास मटेरियल कॉस्ट 100% पड़ी। 100% इक्वल टू मतलब मैं अगर कोई यहाँ परसेंटेज में एग्जैक्टली देखेंगे तो 99.99 कुछ आएगी समथिंग, बिकॉज अगर हम 50 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके आ रहे हैं तो ऐसा ही कुछ आएगा। बट अगर आप देखना चाहें तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी 4 क्वार्टर आप टैली करेंगे तो 4 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर ऐसा रहेगा जिसमें लोएस्ट सेल्स हुई है, लोएस्ट बहुत कम सेल्स हुई है। अगर हम देखें ये सितंबर से लेके जून तक का क्वार्टर देखें तो इसमें दिसंबर 2022 का क्वार्टर है कि जिसमें 45,586 करोड़ की इनके पास सेल्स हुई है। फिर हम सितंबर 2021 से लेके जून 2022 की देखें तो इसमें भी एक क्वार्टर ऐसा रहा जिसमें सितंबर का ही क्वार्टर रहा जिसमें सेल्स लो रही है 41,245 करोड़ की, बाकी थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा थे। अगर हम इस 4 क्वार्टर की बात करें तो इस 4 क्वार्टर में ये 4 क्वार्टर मान ले तो इसमें जो सेल्स डाउन थी वो सितंबर की डाउन थी, अगर हम इन 4 क्वार्टर की ले लें। बट अगर हम देखें सितंबर की आगे वाले सेक्टर में देखें तो जो चौथा क्वार्टर स्टार्ट होता है, अगर हम 4-4 के कंपैरिजन में टैली करना चाहें तो सितंबर का क्वार्टर ही सबसे कम सेल्स लेके आया, दैट इज 38,000 करोड़ के आसपास। तो क्या ऐसा लगता है कि हर चार एक साल में एक क्वार्टर का इनका सेल्स डाउन हो जाती है? अब हम मार्च के क्वार्टर में टैली कर लेते हैं। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यहाँ पर नहीं देखें 21-22 दिख जाएगी, तो 21-22 की ये फाइनेंशियल ईयर बन रही है। 21-22 में अगर फाइनेंशियल ईयर देखें तो जून का क्वार्टर का जो सेल्स आई 50,000 करोड़, फिर सितंबर में इनकी सेल्स गिर गई 41,000 करोड़, फिर इनके दिसंबर में सेल्स आई 65,000 करोड़ और मार्च में 85, तो इसमें भी एक क्वार्टर इनका डाउन रहा। अब हम बात कर लेते हैं जून से लेके ये वाली मार्च में, तो जून से लेके जब इस मार्च में बात करेंगे तो इनका फिर जून का क्वार्टर डाउन हो गया। जून के क्वार्टर में कितनी आई 49, फिर 80, फिर 94, 115। फिर अगर हम देखें नया जो ईयर स्टार्ट हुआ 23-24, तो जून का क्वार्टर अच्छा रहा पर सितंबर का क्वार्टर डाउन हो गया। सितंबर के क्वार्टर डाउन हो जाने से इनकी नेट प्रॉफिटिलिटी डाउन हो गई और सेल्स भी डाउन हो गई काफ़ी, तो नेट प्रॉफिटिलिटी पे प्रेशर आएगा ही। इसी कारण मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है, ये सब फाइनेंशियल्स दिखाने के तरीके हैं, स्टॉक के प्राइस को नीचे लाने के भी तरीके रहते हैं कभी कभार, यू नो दैट कि ऑपरेटर गेम काफ़ी कुछ रहता है। सो ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर का क्वार्टर डाउन रहा है, हर एक ईयर में एक क्वार्टर डाउन रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जून सितंबर अभी दिसंबर के रिजल्ट आएंगे फिर मार्च के, तो मुझे लगता है सबसे लोएस्ट जो रिजल्ट आने थे सेल्स जो आनी थी वो सितंबर में आ चुकी है, और जिसका जो नेट प्रॉफिट है 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट नो डाउट बहुत कम है, बट सेल्स जितनी गिरी हैं अगर हम 41 से देखें तो सेल्स काफ़ी कुछ गिर गई हैं 40,000 का, पर इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस भी उतने ही हो गए, सिर्फ 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मिरर की तरह है, जिसको आप जैसा देखना चाहे वैसा देखिए, बट मेरे हिसाब से एक क्वार्टर डाउन रहा है, और पिछले 3 साल के जो क्वार्टर 12 क्वार्टर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक क्वार्टर डाउन रहता है, तो शायद सितंबर का क्वार्टर डाउन है। सो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है एज सच, बट डराया भी जाता है और डरना भी ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ए स्टॉक मार्केट, पैसा आपकी हार्ड अर्न मनी रहती है, बट कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, दिस इज द प्लस पॉइंट हियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कि 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, अब आगे क्या होगा? मेरे हिसाब से दिसंबर के रिजल्ट आएंगे, काफ़ी अच्छे आएंगे। कंपनी नो डाउट इसमें कंपनी के पास खुद के भी कुछ ज्वेलर शॉप्स हो गई साउथ में, वहाँ पे ये रिटेल्स में भी ज्वेलरी बेच रहे हैं, उससे भी रेवेन्यू काफ़ी कुछ आएगा फ्यूचर में, तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, साथ साथ में कुछ नई नई इन्होंने अपना बिजनेस एडअप भी किया है उस बिजनेस के अलावा, तो ये बिजनेस मेरे हिसाब से कम नहीं होने वाला। अब अगर हम देख लें सेल्स में,
तो सेल्स लगातार इम्प्रूव हो रही है क्वार्टर टू क्वार्टर। इस क्वार्टर की सेल्स कम आई है, इसीलिए यहाँ पे 3,33,677 करोड़ की सेल्स दिख रही है। जैसे दिसंबर के रिजल्ट आएंगे और जनवरी के रिजल्ट आएंगे तो मुझे यहाँ पे कोई भी शक नहीं है कि ये हाईएस्ट एवर सेल्स ना प्रोड्यूस करें, बिकॉज इन्होंने हमेशा ऐसा ही करके दिया है, दिखाया है। मार्च 21 से मार्च 22 में थोड़ा सा कम थी, बट एज सच इतना ख़राब नहीं था, बट यहाँ पर थोड़ा डाउन है, तो मुझे लगता है आगे ये सब चीज़ें बीट आउट हो जाएंगी। अब हम देखें तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,142 करोड़। हो सकता है कि इनका जो मार्च 23 का जो प्रॉफिट है उतना नहीं आए, बट एक आध साल चलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ गेम चल रहा है इनसाइड द, कुछ हो सकता है कंपनी में, बट ऐसा लगता नहीं कि सब चीज़ कंपनी कोई राजेश जो जी हैं वो अपनी कंपनी को इतना कुछ बर्बाद कर देंगे। उनकी भी तो वैल्यूएशन गिर रही है, अगर स्टॉक की प्राइस गिर रही तो उनकी भी मार्केट वैल्यू गिर रही है। सो ऐसा नहीं है उनकी भी नेटवर्थ गिरेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ होगा, पर थोड़ा बहुत हो सकता है, मार्केट सब बिजनेस में चलता है। बट आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हों, अच्छी लगे। ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कोई रिटर्न नहीं है, 15% का दिख रहा है CAGR, बट 5 साल 6 साल और 1 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला, तो यहाँ से कुछ उम्मीद भी बनती है। अगेन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें, आप अपने ड्यूलेंस करने के बाद जो भी कुछ करना करिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी के पास। यहाँ पे 30 करोड़ का इक्विटी है इनके पास, रिजर्व 15,000 करोड़, 193 इनके पास खुद का पैसा पड़ा है। 15,000 करोड़ को 11,000 करोड़ की वैल्यू, मतलब बिलो द मार्क बुक वैल्यू मिल रहा है, एंड और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। बोरिंग यहाँ पे दिख रही है 627 करोड़ की। मार्च 23 से लेकर सितंबर 23 तक इन्होंने लोन भी रीपे किया है अच्छा खासा, और एक टाइम पे जब इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तब से इनके पास तो अभी बहुत अच्छी स्टॉक में, क्योंकि पास लोन नहीं है। फिक्स असेट इंप्रूव हुई है 49 करोड़, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी है। अदर असेट में देखेंगे जाके तो कैश इक्विवेलेंट में भी इनके पास 1,964 करोड़ पड़े हैं, तो लोन यानी जीरो डेट कंपनी है, लोन नहीं है। तो लोन नहीं है तो ये प्लस पॉइंट है कि कंपनी बर्बाद नहीं होगी, डूब नहीं जाएगी, कंपनी रहेगी। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। एंड अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, जिससे दिखता है कि कंपनी को प्रमोटर छोड़ के तो नहीं भाग रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग एजिटेड है 54.05 ओवर पीरियड ऑफ 3 ईयर, जब शेयर 1,000 रुपये से लेके 370-380 के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। FI की पोजीशन देखें तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी घटी सब चली है। अभी हम देखें तो जून से लेके इन्होंने सितंबर के बीच में थोड़ी होल्डिंग कम की है FI ने। DI की भी थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है 11.16 से 11.08 हुई, बट ओवर पीरियड और 3 ईयर्स देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पर। एंड अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग दिख रही है। यहाँ पे धीरज लाल जी की दिख रही है, यहाँ पे आपकी 4.81, संदीप जी की 4.71 दिख रही है। रोहित कुमार जी ने अपनी होल्डिंग सेल की है 1.54%, और यहाँ पर 2.18 ये दिख रही। तो अगर हम देखें तो 1.54% की सेलिंग होती है, वो पब्लिक के पास वो आई है, तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा डेफिनेटली। जब इतनी 1.4% सेलिंग हुई है तो डेफिनेटली प्लस प्रेशर बनेगा, और भी लोगों ने बेचा होगा यहाँ पर। बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे नीचे और भी जा सकता है, कोई बात नहीं है, बट स्टॉक की प्राइस ऐसे ही नहीं कि भाई मूव करेगी, कंपनी में ऐसा ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। एंड अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे जब एक जो आपका ट्रेडिंग व्यू पे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे न्यूज़ वाले क्लिक पे फोल्डर करेंगे तो यहाँ पे दिखा भी है कि 8 साल के नीचे ट्रेड कर रहा है, नो डाउट सभी को पता है। राइस एक्सपोर्ट से ट्राइपार्ट एग्रीमेंट एग्जीक्यूटिव विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट। अब ये इस बिजनेस में भी आ रहा है, मैंने कई सारे वीडियो में पहले ही बताया कि नाउ दे आर इनकमिंग EV में भी आ रहे हैं। तो बिजनेस इनके पास एक्सपेंशन कई सारे प्लान है, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, और इनके शुभ ज्वेलर के नाम से इनके रिटेल शॉप भी साउथ में खुल रहे हैं। तो बिजनेस मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ कम है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद लोग वहाँ और इसको सस्ते पे खरीदना चाहते हैं, इसलिए स्टॉक की प्राइस नीचे लाई जा रही है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको कुछ क्लियरिटी इमर्ज हुई होगी आफ्टर वॉचिंग। तो यहाँ से स्टॉक कहने को बोले तो और नीचे जा सकता है बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि क्या नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है। एक शेयर मल्टी बैगर बन सकता है जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो शेयर मल्टी बैगर बन सकता है, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। बट क्या है कि अगर हमको फाइनेंशियल फंडामेंटल समझ में आ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या हो सकता है। अगर इसमें बाइंग कर रखे हैं, अगर एज ए फ्रेंडली बताऊँ कि अगर किसी ने ऊपर की रेंज से बाइंग किया है तो अभी क्या करना चाहिए, तो अगर देखें ना तो ऊपर से लेके अभी तक सिर्फ देखें ना तो 60% का डाउन दिख रहा है, 63% का, जिसने ऑल टाइम हाई पे लिया होगा 1,000 के आसपास का से।
तो टाइम लग सकता है, बट ऊपर जाना मेरे हिसाब से स्वाभाविक है, ऊपर डेफिनेटली जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक भी करेगा, गैप डाउन करके नीचे आया है, और सिर्फ एक न्यूज़ के कारण कि स्टॉक का प्राइस डाउन हो गया, नेट प्रॉफिटी गिर गई है, नेट प्रॉफिटी दिख रही है, गिर गई है, सेल्स भी गिर गई, बट मैंने जैसे बताया हर 4 क्वार्टर में एक क्वार्टर डाउन रहता है, तो शायद ये वाला क्वार्टर रहेगा सितंबर का, दिसंबर वाले क्वार्टर में ओवर थिंक शायद ही बीट इट आउट हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है कि इस रेंज से भी लोगों कुछ एक बाइंग किया जाए, तो ये आपका ड्यूलेंस रहेगा कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बिकॉज और भी नीचे आ सकता है, शेयर 300 रुपये भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं स्टॉक मार्केट में, बट आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट में 300 गिर सकता है, बट आप देखिए कि मैंने आपको बताया शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में मोर देन 90% स्टॉक्स तो स्टॉक हेड में ही है, 8-10 सिर्फ 8-9% के पास ही स्टॉक वो हैं जो ट्रेड हो रहे हैं, बाकी तो लोग जो बेच तो नहीं रहे ना कोई, तो सिर्फ अगर हम देखा जाए तो सिर्फ एक आध हजार करोड़ में ट्रेडिंग हो रही है, प्रेजेंट में भी बात की जाए या फिर पहले जो बड़ा हुआ था तो वहाँ पे 2000 करोड़ की बात हो रही होगी या फिर 3000 करोड़ की बात में ट्रेडिंग हो रही है, सिर्फ 10% में ट्रेडिंग हो रही है, बाकी सब लोग के लेके बैठे हैं, तो आप अपना ड्यूलेंस करना कि क्या करना है, मेरे हिसाब से बिना समझे समझने के बाद ही कोई चीज़ खरीदना चाहिए, कन्विक्शन आपकी खुद की होना चाहिए, बोरो कन्विक्शन पे कुछ मत खरीदो, इवन प्लॉट भी मत खरीदो, एफडी भी मत कराओ, बोरो कन्विक्शन पे तो कुछ मत खरीदो, भगवान भगवान ने आपको अपना दिमाग दिया है, आइडिया दिया है, सोचिए समझिए, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, और टिल देन नमस्कार।